नमस्कार। तो तंजानिया की प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु हसन 3-4 दिन के दौरे के दौरान भारत आई हुई हैं, एंड जिसमें भी मोदी जी से मिलती है और दोनों की एक बैठक लगती है, काफी चर्चाई होती है दोनों के बीच में, एंड जिसके बाद ऐसा होता है आम आदमी पार्टी को छिया शेयर करती है। आम आदमी पार्टी ने एक इमेज शेयर करते हुए ऐसा दिखाया, 56 इंच का सीना, मीडिया से छुप के 9-2-11, प्रेस को देखते ही 9-2-11 हुए मोदी जी। तो ऐसा पोस्ट करती है भाई आम आदमी पार्टी, जो कि आप देख सकते हैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में से तंजानिया की प्रेसिडेंट एंड मोदी जी दोनों बाहर आते हैं, एंड बाहर आने के बाद जो तंजानिया की प्रेसिडेंट होती है वे बाहर कुछ पत्रकार खड़े हुए होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाती है, लाइक अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है। ऐसा एक्चुअली में होता है जब भी कोई कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर एक नियम के अनुसार उन्हें वहां के कुछ मीडिया कर्मी जो होंगे उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है, उन्हें बातचीत बतानी पड़ती है, यह कॉमन है। आप इस साइड इमेज में देख सकते हैं मोदी जी भी आपको पीछे देखने को मिल रहे होंगे, बट जो तंजानिया की प्रेसिडेंट होती है पत्रकार को देखकर इंटरव्यू देने के लिए आती हैं, एंड आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो मोदी जी हैं वे पीछे से बड़ा पीछे से निकल जाते हैं, यानी कि वे इंटरव्यू देने नहीं आते, पत्रकार से नहीं मिलते हैं। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, काफी बार ऐसा हो चुका है। जैसे कि आपको पता है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले कोई इंटरव्यू होगा, एंड जिसमें भाई वोट के बारे में बातचीत होगी, पीएम मोदी उसमें तो जरूर जाएंगे भाई। और जनता का तो यह भी कहना है कि मोदी जी उन पत्रकार से तो जरूर मिलते हैं जो उनसे यह पूछता है कि आप थकते क्यों नहीं है, आप टॉनिक वोनिक लेते हैं क्या, इस तरह के सवाल पूछने वाले पत्रकारों से तो मोदी जी जरूर मिलते हैं। हालांकि इसमें आपकी क्या राय है कि मोदी जी पत्रकारों को देखकर वहां से चले जाते हैं, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।